नमस्कार दोस्तों मैं हूं संजय कथुरिया डायरेक्टर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कुछ दिनों पहले हमने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भारत के कई बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के डायरेक्टर चांसलर डीन वाइस चांसलर इन लोगों ने अटेंड किया चर्चा का विषय बड़ा सिंपल था कि भारत की इन कॉलेजेस को और इन यूनिवर्सिटीज को यूएस के कॉलेजेस यूके के, के कॉलेजेस फ्रांस के कॉलेजेस जैसे कि स्टैनफोर्ड वॉर्टन लंडन बिजनेस स्कूल एनसीआर इन सबके कंपैरिबल कैसा बनाया जाए और उनसे बेहतर कैसा बनाया जाए इस चर्चा के विषय में विवेक आनंद ओबरॉय जी ने डॉ विवेक बिंद्रा से बहुत सारे प्रश्न पूछे आइए जानते हैं कि डॉ विवेक बिंद्रा ने इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया मेरा प्रणाम स्वीकार करिए जितने आचार्य गण ऑल दी प्रोफेसर फैकल्टीज डीनस डायरेक्टर्स चांसलर्स वाइस चांसलर्स मेरा वर्ड्स पर मिनट हमेशा ज्यादा रहता है और बहुत मजा आने वाला आपके साथ विल हैव सम एक्साइटिंग अमेजिंग क्यू एंड ए विद विवेक जी तो आपके मन में कुछ सवाल थे यू टोल्ड मी दैट आई विल गो एक्सटेंपोर बिल्कुल 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 मेरे मन में कुछ सवाल हैं एंड मैं कह रहा हूं आई वांट टू ग्रिल यू अ लिटिल बिट मैंने यहां पे अपने सवाल लिख भी लिए हैं एवरी एजुकेशनिस्ट इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोइंग आउटसाइड दे आर विलिंग टू पे आउटसाइड बट नॉट विलिंग टू पे इनसाइड नाउ हाउ डू वी इन इंडिया वी हैव We have the minds, we have the abilities. How do we strategize to take the aspirations of every college in India to be the Harvard's, to be the Stanford's, to be the London Business Schools, to be the Whartons right here, not just borrowing their brand, but creating one that rivals them? How can this partnership with Bada Business help our homegrown universities and colleges achieve those numbers and get recognition for the value?

how different organizations have worked in detail how do you actually understand the psychographic demographic geographic ethnographic of your of your consumer there is always a perfect customer then there is an imperfect customer and your highest headroom of growth lies with the imperfect customer not the perfect customer <laughs> i'll explain this now for example kingfisher had the entire market share and of the premium customers then came an indigo जिसने ट्रेन में ट्रैवल करने वाले को वो इम्परफेक्ट कस्टमर था ट्रेन में ट्रैवल करने वाला उसको अपना कस्टमर बनाया हाइएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ वॉज लाइंग इन हिज इम्परफेक्ट कस्टमर नॉट द परफेक्ट कस्टमर वेल वाज़ फाइटिंग अगेंस्ट किंगफिशर रेडिसन वर्सेस ओयो एवरी प्रीमियम कस्टमर वॉज गोइंग टू रेडिसन लेकिन जो किसी रिश्तेदार के घर ठहरने वाला धर्मशाला के घर ठहरने वाला जो इम कस्टमर था वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था जिसको उसने कैप्चर किया मिट इज कॉल्ड हाईस्ट हेडरूम अप्रोथ एयरटेल जो मोबाइल डेटा में प्रीमियम चार्ज करता था मैन जियो केम इन वट डिड दू मेरू कैब क्विक कैब डाइल अ कैब की जगह जब ओला आया हमने ऐसी इन स्टडीज को डिटेल में लिया कंज्यूर बहेवियर की इट्स नॉट द प्राइसिंग द प्रोफिट द प्रोडक्टिशन इट्स दंज्यूमर बिहेवियर पर फॉर एक्जाम्पल डब्ल्यूएचओ ने अमिताभ बच्चन को हायर किया

कि यार जो पोलियो की बूंद पिलाने नहीं आ रहा है विवेक जी ध्यान दीजिएगा जो पोलियो की बूंद नहीं पिलाने आ रहा है वो है कौन घर के अंदर टीयर फोर टीयर फाइव डिसीजन मेकर है पति वो बाहर काम पे निकल गया है जो बहु है जिसका बच्चा है दो साल का वो डिसीजन मेकर है नहीं सास ससुर मेकर है अब सास ससुर ने अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन देखा था

अब आपको एड्रेस किसको करना है कंज्यूमर बिहेवियर में वो समझना पड़ेगा और अब डब्ल्यू एच ओ ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया ये छोटी सी चीज थी कैडबरी जब इंडिया में, 78 इंडिया में 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 चॉकलेट और और बच्चे कंज्यूम करते थे और 80s, 90s में वो वो पूरा मार्केट जो है सैचुरेट कर गया अब कैसे चेंज लाया जाए कैसे नया मार्केट कैप्चर करें तो 90s में क्या स्वाद है जिंदगी का वो जो लड़की ऐसा ऐसा हाथ घुमाते हुए क्रिकेट स्टेडियम के बीच में आती है

अब ये परिवार को साथ में बैठाते हैं कुछ मीठा हो जाए कैंपेन शुभारंभ कैंपेन वहां पे माता पिता बूढ़े दादा दादी सब बैठे हैं और वहां मावा की बनी मिठाई जो है, उसको हटा करके, करके आए और जब रक्षा बंधन है तो कैडबरी दो दिवाली है तो कैडबरी दो मिठाई के डब्बो को रिप्लेस कर रहे हैं दे, दे like तो कैसे समझे एक एग्जाम्पल जो तो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है वो जिले

अच्छा इतना ही नहीं इंडिया में लोग रोज शेव भी नहीं करते पैसे बचाते हैं वहां लोग शेव करते तो तो बड़ा बड़ा बाल जब फंसता दोबारा फंस जाता <laughs> अच्छा वो अब मोटा भी है बाल बड़ा भी हो गया क्योंकि शेव भी तीन दिन चार दिन में एक बार कर रहा है जेलेट ने किया रिवर्स प्रोडक्शन उन्होंने उसके बाद जेलेट फ्लेक्सी जेलेट फ्यूजन प्रेस्टो गार्ड लॉन्च किया इंडिया में और एकदम गेम चेंज किया जब वो इंडिया में आकर के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया मारुति सुजुकी की ऑल्टो पंद्रह साल से चल रही है उसमें वो रिवर्स इनोवेशन की उन्होंने प्राइसिंग को सेम रखने के लिए कैसे काम किया एक्चुअली केस स्टडीज लाइक दैट एक डिटेल कस्टमर प्रोफाइलिंग किया वो लॉन्च करने से पहले इंदिरा नई ने पेप्सिको में स्टोर पे जा जा करके देखा कि बाइट साइज चिप्स खाना चाहते हैं चिप्स का साइज छोटा किया क्योंकि वो चिप टूटने के बाद बड़ा मुंह में इरिटेशन क्रिएट कर रहा था तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीछे जाके चेंज किया कोका कोला इंडिया में आया रेगुलर कोक टीयर टू टीयर थ्री में बिकता है

अच्छा दिल्ली एनसीआर के अंदर मामला अलग है क्योंकि यहाँ पे लोगों को वजन कम करना है देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको देखा देखिए गए नाइकी एडिडास जब इंडिया में आए तो उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट में क्रिकेट गेयर लॉन्च किया साउथ और ईस्ट में फुटबॉल किया क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कंट्री इट्स कॉन्टिनेंट ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज और इतना डिफरेंस है hey, अब देखो मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में है, पहली बार आलू टिक्की लेकर क्या है इंडिया में मैं आलू टिक्की <laughs> इंडिया में हर चीज में लोग आलू खाते हैं उसकी किस्टेंस <laughs> को डिटेल में लिया यूएस का अलग है जै, जैसे अपने यहाँ क्या है पनीर टिक्का बर्गर आलू टिक्की स्पाइसी पनीर महाराजा रैप आलू नान पिज्जा मैकपफ मसाला वेजेस डोसा मसाला बर्गर आ गया है फिरनी आ गया फिरनी मैकफ्लरी लेकिन अगर आप जाएं

एक शॉर्ट स्कर्ट में एक मैडम थी प्रैम बच्चों की होती है उसको लेके जा रही मैं प्रैम से मेरा पाँव टकराया घूमते हुए तो मैं देवी जी को वहां बोला ओह सॉरी आई एम सॉरी और मैं तो पीछे देखा विवेक भाई हैरान हो जाएंगे प्रैम में कुत्ता बैठा था बच्चा पैदल चल रहा था <laughs> ना वो, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तो वो जो बच्चा था वो उनके करंट पति की पिछली पत्नी का था और कुत्ता उसका खुद का था डिमर यू गॉट टू अंडरस्टैंड मार्केट जॉनसन एंड जॉनसन ने कैसे जाकर के जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होने वालों में देखा की न्यूक्लियर फैमिली में गूगल उनकी साथ है और यूट्यूब उनकी मां है उस वहां पर जाकर मैं कैसे मार्केट को कैप्चर करूं बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन कोलगेट जब इंडिया में आया तो इंडिया में टूथपेस्ट लेके आया लोगों ने फ्लॉप कर दिया चला नहीं क्योंकि तब तक लोग ऐसा दातुन रगड़ के करते थे और कोलगेट जब टूथपेस्ट लाए लोग बोले नकली नकली है तो, नकली है तो पहली बार दुनिया में आज तक टूथ पाउडर इंडिया में लेके आया कोलगेट और जैसे ही टूथ पाउडर लेके आया इंडिया में लोगों ने ऐसे रगड़ा उसको लगाया बोले ओरिजिनल लाया दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर सो जब इंडिया में आया फेल हो गया

कि इंडिया में क्यों नहीं चल रहा क्योंकि जब आप लोग की भी सबकी शादी हुई है तो धर्म पत्नी रात को गर्म दूध लेके आती है <laughs> और वहां पे, के अंदर वो जहां से वो इंटेलिजेंस बिल्ड होता है एक बार इंटरव्यू में बैठ जाए ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाए उस स्टूडेंट को बीट करना मुश्किल हो जाता है टुडे ट्रेडिशनल कंटेंट इज लूजिंग एज any kind of traditional theoretical classroom story that you know trying to uh, you know stick to the syllabus approach is dying out very fast because earlier you did not have access to education online so how can we through this association our association with the universities but our business is association with the colleges how can we use this plethora the largest collection of billionaire professors who are inspirational by being Successful in what they have done. They have proved by example. So, how can we engage using that aspect and create this aura for regular colleges also? Noted. Thank you very much. Very relevant question. Hmm. Basically, what you're indicating is towards the uh, not having that real time corporate campus experience and conventional theoretical classroom based approach, the st stagnant syllabus, lack of counseling, and then

इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एट द सेम रेट एज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बीन प्रोड्यूस्ड देर इज अ लो इंडस्ट्री डिमांड इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज समटाइम्स और इश्यू क्या है कॉर्पोरेट को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो पांच का काम कर सके और कई बार बच्चे ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो पांच मिलकर एक का काम नहीं कर पा रहे

Let's pick up the case जो में नंबर वन है दावत बासमती राइस नंबर वन नंबर टू मार्केट शेयर इन इंडिया हाउड ग्रो इन बिजनेस जो की कमोडिटी ड्रिवेन बिजनेस है जहाँ मार्जिन कम है अभिषेक सोमानी सोमान सरमिस हाउड ही ट्रेडिशनल बिजनेस है

तो हमने क्या किया हमने आपको भी बुलाया आकर के योर रनिंग योर ओवर 20 स्टार्टअप्स योर वर्किंग विद राइट सो जब हम इस सारे के सारे टॉप प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं मिस्टर राजेश मेहता का 2 लाख करोड़ का टॉप लाइन है राजेश एक्सपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की रिफाइनरी माइनिंग बुलियन उसके बाद उसकी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया तो हमने क्या किया है? इनकी केस स्टडीज ली इनकी केस स्टडीज के साथ हम काम कर रहे हैं अर्बन क्लैब को लेकर के आए जो की आज अर्बन कंपनी है पातांजलि के आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव को मिस्टर मोहनदास भाई को के आई वाइट अनिल गुप्ता को अमूल

मुझे इतना मजा आ रहा है कि आई फील एज द को फाउंडर ऑफ स्वर्णिम यूनिवर्सिटी इन गुजरात जो पहला ऐसा बड़ा बिजनेस के साथ बड़ा एसोसिएशन है आई वुड अनाउंस इट राइट नाउ हियर कि ऑन बिहाफ ऑफ स्वर्णिम आई एम अनाउंसिंग वी आर डूइंग दिस टूगेदर बिकॉज I want my kids, five, kids in university. I want them to benefit from all this knowledge and, and this growth. And I want you to also do a case study on my university <laughs> and, and explain to us how we can become bigger, how we uh, can become great. My vision of creating the first startup in innovation university of India has come true now. But what is our next growth story? That I will come to Delhi and sit with you on a personal session. But I have yet more questions to ask you. Um, look, so. India is emerging into a system where not everybody uh, wants to be employed, right? A lot of people to take the entrepreneurship route. And I know that Bharat Business is creating phenomenal impact in this space, even for first time. And how can we create this move, this shift from employee to employer uh, and push for entrepreneurship for their students? Lovely, beautiful. Actually, we focus on both areas. अगर वो एम्प्लॉय बन रहा है तो इंथ्राप्रन्योर होना चाहिए वो वाइल बींग एन एम्प्लॉय्योर वाइल बींग एन एम्प्लॉयर देखिए क्या है ऑलवेज एक स्टार्टअप जो शुरू होता है मोस्टली एक फ्री लैंसिंग से शुरू होता है अपने पर्पस को समझता है अपने गोल्स को समझता है अपनी की स्ट्रेंथ्स को वारंटीफाई करता है जो मुझको आता है जो मुझको भाता है जो बाजार चाहता है जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना कस्टमर आता है कि वो संभाला नहीं जाता है सो <laughs> so, इसको समझना जरूरी है हम इसलिए क्या करते हैं उसको ट्रेन करते हैं कि वो अपने शुरुआत में अपने टॉप स्किल्स को पहचाने कहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन बनेगी उसका पर्सनल स्पॉट एनालिसिस वो कैसे इंप्रूवमेंट एरियाज पे काम करेगा शुरू में फ्रीलांसर की तरह एक ऑफिस सेटअप कैसे करेगा शुरुआत के अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट कैसे करेगा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क उसके लिए क्या जरूरी है कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क हो ताकि पहला असाइनमेंट में भी गड़बड़ ना हो जाए उसके साथ अपनी बजटिंग कैसे करेगा पेपर वर्क के बाद मार्केट को कैसे सेगमेंट करेगा मार्केट सेगमेंट करने के लिए क्या उसका कस्टमर वेल फंडेड है क्या उसका कस्टमर आ, आ, के पास रीजन है उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या उसके कस्टमर को वो प्रोडक्ट आज दे सकता है और क्या उसको कॉम्पिटिशन ब्लॉक कर सकता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं देखिए प्रॉब्लम क्या मार्केट सेगमेंटेशन में सेलिंग टू एवरी वन सेट यू अपॉर फेलियर चाइना सिंड्रोम सेलिंग चीप विल सेट यू अपॉर फेलियर बट विल सेट हिम अपॉर सक्सेस That's what Sunil sir has taught us, setting him up for success. Customer को profiling सिखाते हैं। इसका customer blue chip है, growth investment है, one time project है, ARPU model पे जाएगा, focus pilot market क्या है उसका, focus pilot market को समझेगा कैसे end users का gender, fear, age range, अपने customer की income range, उसका उसका geographic location वो क्या अखबार पढ़ता है, motivate कैसे होता है मेरा customer, reasons to buy क्या है, उनकी कहानी क्या है उनके customer की, तो total addressable market जैसे नहीं कि focus pilot market उसको समझाते हैं।

ये उसका मतलब ये आठवां दसवां स्टेप होता है उसका रियाइट्रेशन प्रोडक्ट में कैसे लाएगा मिनिमम वाइबल बिजनेस प्रोडक्ट कैसे बनाएगा और फिर जाकर के अपना छोटा छोटा ब्रांड बनाना शुरू करता है

कैसे अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करेगा जॉब पोर्टल कोल्ड कॉलिंग लोकल एजेंसी क्या है किसके साथ पार्टनर करूं कैसे बिजनेस कार्ड एक एक एक्सपर्ट एक, के साथ में उसको अपना मेंटर बनाऊं अपने आइडियल क्लाइंट कहां ढूंढूं को वर्किंग स्पेस कैसे मिलता है मुझको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्या चाहिए मैं मंथली न्यूज कैसे एक्सेस कर सकता हूँ ये वो इधर उधर कहां से जाऊंगा ताकि उसको सारी रिसोर्सेज भी देते कौन सी वेबसाइट पर वो जाएगा कौन से उसको बेस्ट डिजाइनर फ्री कहां मिलते हैं कहां, कहां मिलते हैं सेल साइकिल है ये सब सीखने के बाद अब वो प्राइसिंग वाइसिंग अपने डिसाइड करता है प्राइसिंग को इंप्रूव करता जाता है और उसके प्राइसिंग के बाद जैसे वो नेगोशिएशन कैसे करेगा कस्टमर के साथ में उसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ऐसे फिर तंग करते हैं बाद में अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को कैसे आगे जाके कुछ करेगा तो ये एक आउटकम बेस्ड काम करना है उसको ऐसा नहीं है कि वो प्राइस बेस्ड काम करे उसका सीजन ठीक नहीं है ऑफ सीजन है उसमें कैसे काम करेगा वो तो हमने एक

फिर फाइनली बिजनेस को स्केल कैसे करेगा? पहले बिजनेस खड़ा करेगा बाद में बिजनेस बड़ा करेगा फिर वो स्केल करेगा समझेगा कि एमबीए का एक और मीनिंग है आइडियल एमबीए हम सिखाते हैं आप तो जानना चाहोगे आइडियल एमबीए आई मतलब इंटीग्रेशन एक आदमी पांच काम करे तीन काम करे डी मतलब डेलीगेशन जो मैं नहीं कर सकता मैं किसी और से कराऊं या किसी और को एक्सपर्ट बनाऊं अपने टाइम को फ्री करूं ई e मतलब एलिमिनेशन कुछ काम जिसका कम कॉन्ट्रीब्यूशन उसको बंद करा दूं ए मतलब ऑटोमेशन ताकि बिना मैन मैन पावर पावर के या कम से मैं काम को ऑटोमेट कर दूं एल मतलब लिबरेशन जो काम की हमारी एक्सपर्टीज नहीं उसको customer, है उसको आउटसोर्स कर दू दिस वॉट वी कॉल आइडियल कस्टमर है ना और एनी आई ऑलवेज लाइक टू गो ऑन एंड ऑन लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्ड करना सिखाते हैं टेक्नोलॉजी ट्रेन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और टीम से वो स्केल कर सकता है So, the, the current environment uncertainty, right, that is there across the education sector because of COVID. I want to understand, since there are over 2,000 potential partners today here for Bada Business, I want to understand that that association with Bada Business, how can it impact the actual digital reach and the marketing and branding so that there's a clutter breaker approach for that particular college so that they can get to their target group of admissions?

15th to 28. That's the age bracket we are working on at the moment. So that's the age bracket where all school colleges and universities are also targeting that. We've got we also check our return returning viewers, average view duration, average video hit rate, monthly viewership, monthly reach, monthly watch time. So uh, our monthly watch time is close to 1000 years of content is being seen on our social media channels. ज गेटिंग the management business program entrepreneurship campus to corporate campus to business branding strategy technology case study finance hr leadership all the topics we bring them together and we partner and collaborate with you we customize an app for your university we customize your learning management system we customize and and you the student also get a signature of a billionaire professor who's working with us we are the only organization in the world which has got maximum highest number of billionaire professors across wherever you go we help universities in promotion. We help them in um, students' performance, the assessment index, the measurement index. And then what happens is National Assessment and Accreditation Council. Vivek, this is important. NAC rating. Every college is looking for a NAC rating. Our program helps students in employment and also the NAC rating, which university will improve. And that helps with branding and the growth of that university. I can go on and on, but over to you, Vivek Ji. Uh, I would also like to say, uh content, I mean, I'm a fairly successful man myself. And I've built uh, more than 20 companies. I'm a CSO on a few listed, a few very successful startups. Uh, but even me, I learn so much from the way the content on the app and the business um, repertoire of content, when I go through that, it refreshes so many ideas. It reminds me so many interesting things. I may have learned those concepts, but the way, it, the ease of learning or the ease of jogging that memory and saying, "Yeah, this is a good approach." When I work as a chief strategy officer, it works yeah. as a great tool, as a great asset for me also. So I think that the beauty of our business is that whether you are uh, starting out or whether you are at the top of your game, it's a it's a very very good tool for oh. success oh. and. Uh, uh, I, I'm I'm very very glad that, uh, and I want to announce this to all our uh, potential partners who are watching this. Uh, every single institution, every single university, every single uh, college that is watching this, that we are so confident on bada business and their content, so supremely confident that no questions asked, no evaluations done. If it's a bada business, we are financing it 100% through and through. That is a commitment that I want to make here in front of everybody because the quality of content is such that the result is guaranteed and when the results are guaranteed there is no risk uh, i'm sorry colleges or universities that if it is big business your student will get the loan he will also get the enablement process for giving his fees that makes it easy abhi my request karunga your meeting block us with. time. time block us with. When you have a big decision तो डिसीजन लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है लेकिन डर के कारण डिसीजन ना लेना ये बहुत गलत बात है सो टेक योर डिसीजन बुक योर टाइम स्लॉट एंड कम एंड अस एंड आस्क अस सिंपल क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक कैन बी माय एजुकेशन कंटिन्यूटी प्लान

Thank you so much, my brother. What a pleasure it's been. And uh, I'm sure that every single educationist who's watching this, every college, every university has uh, figured out that this is a fantastic potential uh, relationship, not only to increase their bottom line, but also to increase their, and by increasing their quality to increase their top line. So I would love for uh, uh, all the universities, like you said, uh, engage with us, uh, communicate with us, uh, we've made it very, very simple as a process to just reach out. Uh, you know, uh, book a slot. Like uh, my brother Vivek Bindra just said, book a slot and understand whatever doubts you have. The team is, as you've seen, the team is phenomenal. is more than capable of clearing any kind of doubts of yours and engaging with you to bring you in as partnerships. We are looking at long-term relationships and partnerships. Today is a historic day, a beautiful beginning between bada business, finance, peer and your university thank you jayen